विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। वत्स सुबोध, अब आपको साहस का परिचय देना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? ऐसा क्या होने जा रहा है अब? ऐसी भयंकर यंत्रणा देकर इसे यमलोक लेके जाएंगे हम। इसका कण कण हाहाकार कर उठेगा। अब हम विधिवत पिंडदान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे और आप स्वयं इस पिशाच के नवीन शरीर ग्रहण करने के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। सबसे पहले जनेऊ को अपने दाहिने कंधे पर ले आइए, जिसको आप सभ्य बोलते हैं। हाँ, प्रथम पिंडदान लीजिए। पहले हाथ में जल रखिए, तिल रखिए और पिंड रखिए। सामने अर्पण कर दीजिए। मेरा शीश। प्रथम दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के शीश और कपाल का निर्माण होता है। द्वितीय दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के ग्रीवा एवं कंधे उत्पन्न होते हैं। तृतीय दिवस के पिंडदान से उनके हृदय की रचना होती है। चतुर्थ दिवस के पिंडदान से उनके पेट और पृष्ठ भाग का निर्माण होता है। पंचम दिवस के श्राद्ध से नाभि का निर्माण होता है। छठम दिवस के पिंडदान से कटी प्रदेश का निर्माण होता है। सप्तम दिवस के पिंडदान से गुई भाग का निर्माण होता है। अष्टम दिवस के पिंडदान से उरु का निर्माण होता है। नवम दिवस के श्राद्ध से तालु और पांव का निर्माण होता है। ये नवीन शरीर तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। शरीर ना सरलता से आत्मा को छोड़ता है ना ही स्वीकारता है। इसके लिए तो आत्मा को बार बार प्रयास करते रहना होगा। ब्राह्मण देवता, इनका तो संपूर्ण शरीर ही प्रस्तुत हो गया, तो फिर दशम दिन के पिंडदान से क्या होगा? उससे जो भी हो, तुम तो शीघ्र मेरा पिंडदान कर डालो पुत्र, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ उससे बहुत प्रसन्न हूं मैं, क्योंकि मैं पुनः पूर्ववत हो गया हूं। दसम दिवस के पिंडदान से उस शरीर की पूर्णता, क्षुधा और प्यास की उत्पत्ति होती है। मैं भूखा हूँ। मैं प्यासा हूँ। मुझे भोजन चाहिए। मुझे जल दो। मेरा कंठ प्यास से झुलस रहा है। मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है। पिताश्री, चिंता की कोई बात नहीं वत्स सुबोध। दसवें दिवस के पश्चात 11वें और 12वें दिवस पिशाच भोजन ग्रहण करता है, और वो भोजन आपके द्वारा दिया जाने वाला पिंड है, इसलिए आप पिंडदान कीजिए। भोजन। प्यास। कितना प्यासा था मैं, अब तृप्त हुआ हूं मैं। वत्स सुबोध, अब आपको साहस का परिचय देना होगा। ये ब्राह्मण मेरे पुत्र को
साहस रखने के लिए क्यों कह रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? ऐसा क्या होने जा रहा है अब? वत्स सुबोध, अपने पिता को आप अंतिम बार देखने जा रहे हैं, पर इसके उपरांत उसकी यातना की उच्च लोकों की यात्रा प्रारंभ होगी, जो तुम्हारे पिता के लिए अत्यंत कठिन अनुभव होगा और जिसका साक्षी बनना आपको भी कष्टदायक होगा। ब्राह्मण देवता, क्या इस यात्रा में मैं अपने प्रिय पिता की कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ वत्स, एक बार वो पृथ्वी की परिधि से बाहर निकल जाएं, तो यमलोक पहुँचने तक उनकी यात्रा का प्रत्येक दिवस हमारे लिए एक मास के समान होगा। इसीलिए प्रत्येक मास को आप उनका पिंडदान करोगे। यमलोक पहुँचने के उपरांत उनका एक दिवस हमारे लिए एक वर्ष के समान हो जाएगा। हाँ। इसीलिए प्रथम वर्ष के उपरांत एक वर्ष के बाद ही पिंड दान करना आवश्यक होता है। किंतु मेरे पिता की मृत्यु को एक वर्ष तो बीत चुका है। तुम्हारे पिता की मृत्यु को एक वर्ष पूर्ण होने के कारण हम उनके लिए मासिक पिंडदान अभी एक के बाद एक साथ ही संपन्न करेंगे। ये गया में ही संभव है वत्स, इसलिए अब 13वें पिंड का दान करेंगे। पिताश्री, मैं आपका पुत्र सुबोध संपूर्ण विधि विधान से आपका पिंड दान और श्राद्ध पूर्ण करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको और कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए अब जो भी परिणाम हो, आप विश्वास रखिए पिताश्री, मैं संपूर्ण विधियों को संपन्न कर आपकी मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। 13वां पिंडदान प्रारंभ करें वत्स। पिंडदान के साथ आत्मा को यमदूत बंदी बनाकर ले जाने के लिए आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं पिशाच होने वाली कुशल हूँ। चलना तो तुम्हें अवश्य होगा। अपने पापों का परिणाम भुगत कर पर्वती जीवन में प्रवेश करने। पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। आप किसी अन्य ज्ञानरी को लेने आए होंगे, भूलवश मुझे दंड देने आ गए। हाँ, मैं तो एक मात्र पिशाच हूँ, और वैसे भी इस पिशाच योनि में अनेकों यातनाएं सह चुका हूँ मैं, तो और क्यों भुगतूं मैं? हाँ, और क्यों सहूं? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ये आपने क्या किया गणेश जी? मुझे ऐसी मुक्ति थोड़ी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये यातना शरीर। मैं पिशाच बनकर ही कुशल हूँ। आप कह दीजिए इन यमदूतों को मुझे छोड़ दे और चले जाए यहाँ से। मैं आपके साथ कैलाश लौट चलूंगा। वहीं किसी वृक्ष की शाखाओं में लटका रहूंगा। कह दीजिए इन्हें। ज्ञानारी जी, आप अनंत काल तक पिशाच नहीं रह सकते। आपके पुत्र सुबोध ने आपका पिंड दान किया है, जिससे आपको पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो, और अब आपको मृत्यु उपरांत आगे के मार्ग पर जाना ही होगा, और इस कठिन यात्रा में आपका सहायक बनने हेतु सुबोध प्रत्येक मास आपका पिंड दान करेगा। ये सब आपका ही षड्यंत्र है ना? आपको ज्ञात था ना
इस यात्रा में मुझे कष्ट होगा। मेरे जीवन में भी आपने मुझे दंडित किया, उससे संतुष्ट नहीं हुए आप? मृत्यु के बाद भी मुझे दंडित करना चाहते हैं आप? नहीं भैया, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए, वो अभी भयभीत है। और जब भी उन पर भय छाता है तो वो उचित अनुचित का भेद भूलकर कुछ भी कह जाते हैं। ज्ञानारी, मेरे अनुज गणेश ने मुझे शांत होने के लिए कहा है, किंतु फिर भी मैं ये बात अवश्य कहूंगा, तुम बड़े ही कृतज्ञ हो। पूर्व में तुम हमें ये कहकर सताते रहे कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मुझे मुक्ति दिलवा, और अब जब हम तुम्हें मुक्ति दिलवाने के लिए तुम्हारा पिंड दान करवाने यहां लेकर आए तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए और अपने कष्टों का दोष हम पर मार रहे हो। अरे, ऐसी कष्टप्रद मुक्ति किसे चाहिए? बंद करो ये अपना रोदन और विलाप, अब चलो यहां से। नहीं, नहीं, मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं नहीं चलूंगा। हाँ। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे? नहीं। नहीं पुत्र सुबोध, पूजा के स्थान से उठने पर पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए तुम्हें ही नहीं हम सभी को भी यहाँ स्थित होकर रहना होगा। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। असत्य कहना भी पाप होता है, और अब तुम वही पाप कर रहे हो। तुम हमारा बहुत समय व्यर्थ कर चुके हो ज्ञानारी, और हमारा समय व्यर्थ हो ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया आपने? आपने ज्ञानारी जी के यातना शरीर को ही चीर दिया, उनका अंत कर दिया आपने। अब उन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये कैसा अनर्थ हो गया यहाँ? हम ज्ञानारी जी के पिशाच को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने लाए थे यहाँ। उनका पिंडदान संपन्न होने से वो प्राप्त भी हुई उन्हें, और उन्होंने यातना शरीर धारण किया, किंतु तभी आप दोनों ने उनका वध कर दिया। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी, यहाँ जो भी हुआ वही होने का विधान है, हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। यातना शरीर यातना पाने के लिए ही धारण किया जाता है। ज्ञानारी ने अपने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उसके दंड स्वरूप उसको यातना भोगने के लिए ही ये यातना शरीर दिया गया है। किंतु आपने तो उसका अंत कर दिया है, फिर अब वो कैसे दंडित होगा? प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, मृत्यु की असहनीय यातना अनेकों बार सहेगा ये। इस भयंकर यंत्रणा के बाद पुनः और यंत्रणा देने के लिए
इसे बार बार पुनर्जीवित करेंगे। किंतु इनके यातना शरीर को इस प्रकार जीवन मरण के चक्र में क्यों डालेंगे आप? दुरात्मा है ये, अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं इसने। ऐसे पापियों के पाप कर्म का यही परिणाम होता है, बार बार मृत्यु का कष्ट भोगेगा ये। जब तक अपने पापों का समुचित दंड नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक ऐसे ही अपने पापों का दंड भोगता रहेगा। ऐसी भयंकर यंत्रणा देकर इसे यमलोक लेके जाएंगे हम। इसका कण कण हाहाकार कर उठेगा। अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा है मुझे, जैसे जैसे किसी ने खड़क से मेरे वक्ष पर वार कर दिया हो। किंतु मेरे शरीर पर कोई घाव शेष क्यों नहीं? मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? नवीन प्राण अवश्य फूकेंगे इसके शरीर में, किंतु पूर्व के कष्ट निरंतर सताएंगे इसे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मृत्यु भोगेगा, जीवित होगा उसकी कल्पना मात्र से इसका हृदय कांप उठेगा। ऐसी यातनाएं सहेगा ये, इन यातनाओं का कष्ट इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन कष्टों का निरंतर अनुभव करेगा ये, जो प्रत्येक यातना के बाद और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुराचारी हंसते हंसते पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, अपने पाप कर्मों का विचार नहीं करते, और वो ये मानने की भूल करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि उन पर नहीं है। और जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार जाने का दुस्साहस करते हैं, समय आने पर इतनी यातना उनको भोगनी पड़ती है कि वो रुदन करते करते थक जाते हैं, उनके अश्रु सूख जाते हैं, पर उनके कष्ट कम नहीं होते। ऋषिवर, मैं तो पूर्व से ही प्यास से तड़प रहा हूं, तो अब रुदन करने के लिए अश्रु कहां से लाऊंगा? ज्ञानारी जी, अब तो आपके लिए यही एकमात्र मार्ग शेष है, इसलिए संघर्ष कर इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। दुर्भाग्यवश जो पाप आपने किए हैं, उनका परिणाम भुगतना तो आपके लिए अनिवार्य है ज्ञानारी जी। अब चलो हमारे साथ, जितना विश्राम प्राप्त होना था हो चुका, आगे का मार्ग अत्यंत ही कठोर है। ये कैसा द्वार खुल रहा है मेरे समक्ष? चलो आगे बढ़ो। नहीं, मैं इस भयंकर द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहता। गणेश जी, आप और कुमार कार्तिकेय मुझे यहाँ तक लेकर आए, मुझे मेरी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता की। अब एक और याचना है मेरी, आप अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे गंतव्य लोक तक, जो अवश्य नरक ही होगा, मेरे इस आगामी यात्रा में प्रत्यक्ष दर्शी बने, जिससे आपके माध्यम से संसार भी मेरी इस दुर्गम यात्रा का साक्षी बन सके। मेरे इस उदाहरण से सीख पाकर अन्य जीव पापों से दूर रहने के लिए प्रेरित हो, और प्रभु मेरे पुत्र को
इस यात्रा का विवरण दीजिएगा। मैं अपने जीवन में उसे कुछ उचित सिखा नहीं सका, किंतु कदाचित मेरी मृत्यु के पश्चात तो उसे कुछ सिखाने में समर्थ होऊंगा। प्रभु, मैं अपने संपूर्ण जीवन में आपको भला बुरा कहता रहा, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहा, किंतु आपने मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया। आप अत्यंत दयालु हैं प्रभु, सभी देवताओं से भिन्न हैं, इसीलिए तो आप अग्रणी हैं, प्रथम पूजनीय हैं प्रभु, प्रथम पूजनीय। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इसलिए जो हुआ सो हुआ, अब आप दंड सहकर अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और स्मरण रखिए निराशा के गहन अंधकार का अंत आशा की प्रकाश की किरण से अवश्य होता है। ज्ञानारी जी के जीवन की यात्रा तो समाप्त हो गई, किंतु अब तो यात्रा आरंभ हुई है। उसे पूर्ण कर यमलोक तक पहुंचना ज्ञानारी जी की आत्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जीवन कर्मों से जुड़ा है, कर्म इच्छाओं से। व्यक्ति की इच्छाएं उचित हो तो उसके कर्म एवं जीवन ही नहीं, मुक्ति भी सरल हो जाती है।